रामपुर में पड़ोसी बना पड़ोसी का हत्यारा। मामूली विवाद के बाद पड़ोसी ने चाकू से गोद कर की पड़ोसी की हत्या। घटना के बाद क्षेत्र में मचा कोहराम। मौके से हत्यारे समेत सभी आरोपी फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा शुमाली गाँव का है, जहाँ आज सुबह जमील अहमद और मसीतर नाम के दो पड़ोसियों के लड़कों के बीच नाली का पानी रुक जाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल जमील अहमद और मसीता दोनों के घर बराबर लगे हुए हैं। बीती रात हुई बारिश के बाद जमील अहमद का बालू बजरकुट नाली में भर गया था, जिससे पानी भरने लगा था। पड़ोसी मसीता के लड़के ने कहा कि हमारी नींव में पानी लग रहा है, नाली से बजरी बालू निकाल लो। तो जमील अहमद के लड़कों ने कहा पहले सूखा बालू हटा लें, उसके बाद नाली से भी निकाल लेंगे। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और मसीता के बेटे सलीम ने जमील अहमद के बेटे मुजम्मिल की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजम्मिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये दो पड़ोसी हैं, जमील अहमद और मसीता। जमील अहमद के बच्चे अपना घर बना रहे हैं, उनका बालू बदरपुर बाहर पड़ा हुआ है। बगल में मसीता भी के बच्चे भी अपना घर बना रहे हैं, उनका घर लगभग बन के खड़ा हो गया है, फिनिशिंग में। रात में बारिश हुई थी, पानी जो बह के जा रहा था वो मसीता के घर के सामने से बह के जा रहा था, बगल से आगे जमील के बच्चों का बालू बदरपुर था। और ज़्यादा भी नहीं, मतलब सारा बालू बदरपुर मिला करके मैं समझता हूँ 3-4 क्विंटल से ज़्यादा नहीं। उसकी वजह से पानी हल्का सा रुका हुआ था। मसीता के बच्चों ने कहा कि बालू हटा लीजिए, पानी निकल जाए, हमारी नींव पे पानी लगा। उन्होंने कहा हम हटा लेंगे, पहले हटा ले अपना बालू सूखा सूखा, उसके बाद खोल देंगे। इसी बात पे तू मैं हो गई। मसीता और मसीता के बच्चों ने चाकू मार दिया, जिससे जमील के एक बच्चे की मौत हो गई। तत्काल पुलिस सूचना पे मौके पे आई, घायल हो रहा है, कई भाई घायल और मुंजिम पक्ष के लोग अपने घरों से फरार हैं। आगे की विधिक कार्यवाही